पिछले सर 26 नवंबर से लाइट और पानी काट दी गई है। हमारे गोल्ड सुक अपार्टमेंट बने हुए हैं वहाँ दोरई रोड पे, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के सामने। तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। वहां पे ब्यावर रोड के सामने, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के सामने बने हुए हैं। 26 नवंबर से लाइट काट दी गई है टाटा पावर द्वारा, और हमने सारी पेमेंट कर रखी है कंपनी को। कंपनी और टाटा पावर का और ADA का कुछ डिस्प्यूट चल रहा है इसमें आपस में, और इस कारण से हमें परेशान किया जा रहा है सर। 26 नवंबर से लाइट काट दी, इतनी परेशानी, कहाँ कहाँ गए थे आप? सर हम ADA में जा चुके हैं और टाटा पावर में भी जा चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। आज हम लोग गए थे कलेक्टर सर से मिलने, तो वहाँ सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने मना कर दिया। वो बोल रहे हैं पहले आप रामगंज जाइए अपने थाने, तो अभी यहाँ पे रामगंज। तो इतने महीने से कैसे रह रहे हो आप बिना लाइट के? सर हम बहुत परेशान हैं, ये मेरे चाचा हैं साथ में दृष्टिहीन हैं, और मेरी चाची भी दृष्टिहीन है, उनको भी नहीं दिखता, और मैं साथ में रहता हूँ। सबसे ज़्यादा परेशानी हमें हो रही है। कितने लोग रहते हैं फ्लैट में? सर अभी उस समय 40-45 लोग रह रहे थे, और अब कुल मिला के 5-7 फ्लैट वाले ही रह गए हैं जो मजबूरी में अभी रह रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, और ना हम कहीं और रेंट पे ले सकते हैं मकान, इतनी सुविधा नहीं है। चल रही है इतनी परेशानी, घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप कैसे रह रहे हो घर में बिना लाइट के? सर हम बहुत परेशान हैं, अभी हम आए हैं इसीलिए थाने में इस शिकायत को लेके। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा आपको? बिल्कुल सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा प्रशासन अभी तक, तो सामना उठाना पड़ रहा है बहुत सर। पानी नहीं आता वहाँ पे सर, और लाइट नहीं है, और इतनी गर्मी है, बताइए सर हम बहुत परेशान हैं। मेरा नाम सुमित है, और ये मेरे चाचा है साथ में अजय। देखो जी हमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हम तो ना तो किराए पर रूम ले सकते हैं कहीं भी, और न ही कहीं हम, मैं वहाँ पर पानी की और लाइट की दोनों की दिक्कत है, जिसके कारण जो है कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मतलब पानी और लाइट की परेशानी हो रही है आपको? हाँ जी। कब से हो रही परेशानी? 26 नवंबर। तो आपने कहीं गए हो? गए ना सर, ADA में गए, 181 पे भी, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी मैंने कंप्लेंट किया, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और टाटा पावर में भी गया मैं, टाटा पावर वालों ने भी कहा कि भाई जब हमें जो है आदेश मिलेगा तभी हम करेंगे। हम वैसे जो है पानी का बिजली का बिल बकाया है? नहीं हमारी बिजली, हमारे यहाँ पानी तो सर सप्लाई का है नहीं, तो पानी तो हमारे मोटर से चलती है। बिजली का बिल बकाया कोई? नहीं कोई बकाया नहीं है। तो फिर ऐसे लाइट क्यों काटी आपकी? वो उनका आपस का डिस्प्यूट है। तो 26 नवंबर से लेकर आज तक आपके बिना लाइट के रह रहे हो? बिल्कुल बिना लाइट के रह रहे थे। प्रशासन को सूचना दी थी इसकी? प्रशासन को सूचना है पूरी। तो प्रशासन ने कोई सुनवाई करी? कोई सुनवाई नहीं की है। धक्के खा रहे हो अभी तक? बस धक्के खा रहे हैं। कहाँ का एक धक्के खाए आपने? बता रहा हूँ मैं कि हम अभी अभी जो है अभी कलेक्टर साहब के पास भी गए थे अप्लीकेशन लेकर के कि सर हमारी ऐसी समस्या, लेकिन वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी वालों ने मिलने नहीं दिया। अच्छा। सिक्योरिटी वालों ने कहा भैया तुम अपने थाने में जाओ, तुम्हारा वहीं पर ही सुनवाई होगी। और गए थे टाटा पावर? आज तो नहीं गए, उससे पहले गए गए, उससे दो तीन बार जा चुके हम। क्या कहा? वो कहते हैं कि यदि वो आदेश मिलेगा तभी हम करेंगे, नहीं तो हमारी तरफ से। कहाँ पर आए हो आप? इधर रामगंज थाने में आए हम। ठीक है, कहाँ की जगह, क्या नाम है आपका? न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के सामने गोल्ड सुक अपार्टमेंट है। नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार यादव।